सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वहीं माता पिता अपने बच्चों को बाल मजदूरी करवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना मनावर के ग्राम भुआदा से हमारे सामने आ रहा है, जहां नाबालिगों को मजदूरी के लिए 7 पिकअप वाहनों में 83 बाल मजदूरों को मजदूरी के लिए लेकर जाया जा रहा था। जब इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला बाल संरक्षण व बाल श्रमिक विभाग धार को मिली, तो विभाग ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए छापेमार कार्रवाई की। इन सभी बाल मजदूरों को पिकअप वाहनों से उतारा और अपने कब्जे में लिया। इसके बाद विभाग द्वारा बच्चों के माता पिता को बुलाकर समझाया गया और कहा गया कि यह बच्चों की कमाने की नहीं, पढ़ाई करने की उम्र है। इस दौरान सभी बच्चों को कॉपी पेंसिल देकर परिजनों के हवाले किया गया। उप निरीक्षक नारायण राहुल ने कहा कि पुलिस के 7 वाहनों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। देखिए मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। सर नाम बता दीजिए, किस पद पर? मैं उप निरीक्षक नारायण रावल, वर्तमान चौकी प्रभारी बाकानेर पे पद पर हूँ। सर ये बाल श्रमिकों को लेकर जो आज कार्रवाई की गई, सर इसमें कितने बाल श्रमिक पाए गए और ओवरलोडिंग गाड़ियाँ कितनी थी जिन पर आपने कार्रवाई की? आज महिला बाल विकास जो विभाग होता है उनके द्वारा और पुलिस के टीम के द्वारा आज कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 लोडिंग गाड़ियाँ लाए, जिसमें बाल श्रमिक 68 थे और महिला बाल विकास द्वारा उनकी जो बाल श्रमिक ऊपर जो कार्रवाई होती है उन्होंने वैधानिक कार्रवाई की है। उनके परिजनों को समझाइश दे दी गई है कि आप बाल श्रमिक को, बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप स्कूल भेजें, और ये जो पिकअप है इनके ऊपर जो मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएँ हैं, है ना, कि आप ओवरलोड में मतलब आप पिकअप में मजदूर नहीं भर के ले जा सकते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी है। क्योंकि अभी मजदूर बहुत सारे हैं, इनको आने जाने के प्रॉब्लम है, तो अभी इनको गाड़ियां से छुड़वा कर वापस थाने में चौकी पर। सर जिन लोगों ने इनको कार्य के लिए बुलाया, बाल श्रमिक और उन लोगों को, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जिन लोगों ने उनसे अभी पूछताछ की है तो वो बता रहे हैं कि सर हम तो जहां हमको जाता है, मतलब जहां हमको मजदूरी मिल जाती है वहां पर, ऐसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं बताया उन्होंने कि हमको इनके द्वारा बुलाया गया हुआ है। और जो व्यक्ति बता भी रहे हैं तो उनमें बाल श्रमिक तो नहीं बता रहे हैं कि हमारे बाल श्रमिक हैं, लेकिन जो अगर नाम बता दे उनके विरुद्ध कोई ठेकेदार तो होंगे इनको लाने ले जाने वाले सर, इनके बारे में पूछताछ की गई, लेकिन बोले सर हम तो मजदूर हैं, गांव से आते रहते हैं यहाँ पर, और जिन जो जहाँ पर मजदूरी मिल जाती है वहाँ पर हम काम करते हैं। मेरा नाम बलराम ठाकुर, महिला बाल विकास विभाग धार से बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। सर ये बाल श्रमिकों को लेकर कार्रवाई की क्या कार्रवाई? सर बाल श्रमिक कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमारे द्वारा टीम बनाई गई, जिसमें बाल कल्याण समिति से सदस्य शिवराम मोहेल जी है, महात्मा गांधी सेव द चिल्ड्रन से प्रसन्ना बारिक जी है, चाइल्ड लाइन टीम मनावर से हमारे टीम सदस्य भी उपस्थित है, और सभी पुलिस विभाग की मदद से हम लोगों ने भुआदा फाटे पे, नहर फाटे पे पिकअप वाहनों को रोका गया, जिसमें बाल मजदूर पाए गए, उनको सभी को पुलिस चौकी बाकानेर में लाया गया और सभी बालिकाएं और बालक को समझाइश दी गई, जिसमें बालिकाएं 68 बालिकाएं थी जो 9 वर्ष से लेके 17 वर्ष के बीच में पाई गई है और 15 बालक थे। इन पे अभी आपने पिछली भी सिंघाना में भी कार्रवाई करवाई थी, इस पे जी, तो इस पे संबंधित लोगों पे कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं, जो लोग इनको ला रहे हैं ले जा रहे जी, हैं जी? इसमें जो अपने पिकअप वाहन वाले हैं जो लेके आ रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो नियोजक है इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और स्कूल में सभी बच्चों को कलेक्टर साहब को हमने लिस्ट अवगत करा दी है, और सभी जितने भी बच्चे रेस्क्यू किए गए उनको वापस से स्कूल में एडमिशन की कार्रवाई चल रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।